इसको टेमरू का पेड़ कहते हैं या दंतून के काम भी आता है। ये टहनियों को तोड़ के दंतून किया जाता है जो काफ़ी निरोगी रखता है हमारे टीथ्स को, भी काफ़ी आरोग्य जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है टेमरू का पेड़। यहाँ से रास्ता काफ़ी संकरा हो गया है, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा हुआ। सो हम आगे जा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं पहाड़ों में पत्थरों का नज़ारा, बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे एक पानी की टिक्की आएगी। अब रास्ता थोड़ा अप है और छोटा है, जाने में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे देख सकते हैं काफ़ी चढ़ाई है। फाइनली यह आ चुकी है पानी की टंकी, जिसको हमारे यहाँ डिग्गी कहते हैं। इसमें जल भराव होता है, आगे की तरफ सप्लाई होता है। यहाँ पर यह मेन रोड दिखाई दे रही है। अब हम रोड पर आ चुके हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे कुछ लकड़ियों के लिए। इस बांज के पेड़ पे हरी हरी कोंपलें आ रही हैं। आजकल इसको चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको हमारे यहाँ बांज कहते हैं। इसकी जड़ियों का नीचे बहुत ठंडा पानी पाया जाता है। और यहाँ सामने का नज़ारा विलेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ पेड़ जड़ी बूटी के रूप में भी नज़र आ रहे हैं, इनका नाम तो पता नहीं। क्या देख सकते हैं चीड़ की पेड़ और उस पर लगे कट्टे और उससे निकलता हुआ लीसा।